अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेन स्टेप चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंस कोट की कटिंग, बंद गले की कोट की कटिंग। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फेसिंग का निशान लगा लेंगे, 8 इंच तक लेते हैं, 8 क्या 7.5 तक लेते हैं फेसिंग, बाकी ये तो ज़्यादा ही है, हमने ज़्यादा ही रखा है इस तरह से। एक पूरा निशान आप लगा लीजिए। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं बहुत ही आपको अच्छे से समझाने भी वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। ये हो जाएगी दोस्तों मेरी फेसिंग, अब इसको हम ऐसे आगे कर लेते हैं। दोस्तों ये हो गई मेरी, मैं बैक इसमें काट चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको फ्रंट बताऊँगा, क्योंकि बैक नॉर्मली कोट की तरह कटती है, सिंगल ब्रेस कोट की तरह प्रिंस की भी नॉर्मली कटती है, इसलिए मैं सिर्फ आपको फ्रंट बताऊँगा, क्योंकि प्रिंस कोट का सिर्फ फ्रंट ही अलग होता है। बैक दोस्तों मैंने काटा था तो 38 चेस्ट है मेरा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरी नाप शो कर रही होगी, तो 9.5 इंच हमने इसको गिराया था। बाकी मैं आपको बताऊंगा प्रिंस कोट कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बैग को रख लेंगे आप, बिल्कुल इस तरह से। अब स्क्वायर लेंगे आप, स्क्वायर से जैसे कि हम सभी कोट में करते हैं, इस मारीक को इस मारीक को बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल दोस्तों इस तरह से आप जैसे बैग में लगा है उस तरह से आप पूरे में निशान लगा लीजिए अच्छे से। ये दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने ये मारीक लगा दी है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 4.5 इंच यहाँ पे रख के ये मारीक लगा लेंगे और यहाँ पे 3.5 पे लगा लेंगे और यहाँ पे 3 पे लगा लेंगे। अब हम नाप लेंगे मेरी क्रॉस बैग कितनी आ रही, तैयार आएगी 8 इंच। तो दोस्तों 8 इंच हम ये इस निशान पर रखेंगे और चेस्ट है मेरा 38, तो 19 × 38 प्लस मार्जिन, तो 19.5 पे हम ये मारीक लगा लेंगे, इसकी तो सिलाई जाएगी। और इसी तरह हम पेट पे भी देख लेंगे कितनी तैयार आता है, 6.25 और 6.25 हम इस पे रखेंगे। अब दोस्तों पेट है मेरा 37, तो 18 × 2 होता है 36, 18.5 और प्लस मार्जिन जो जाए प्लस दबाव जो जाएगा, तो 19 इंच पे ये मारीक लगा लेते हैं। अब दोस्तों हिप पे भी उसी तरह नाप लेते हैं, ये 6.5 लगभग आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही रख लेंगे। हिप है दोस्तों 38.5, तो 19 × 2 होता है 38, 19.25 आएगा, तो इसमें भी 1/2 इंच ज़्यादा दबाव के लिए रख लेते हैं। अब दोस्तों इसको ऐसे अच्छा सा शेप दे देते हैं, ये क्योंकि शेप देंगे तो आजकल शेप चल रहा है, इसलिए ये हमने थोड़ा सा इसमें शेप भी दे दिया है। इस तरह से इसको भी ऐसे मिला लेंगे, ये शेप हो जाएगा अच्छे से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप इस तरह से दोस्तों रखेंगे बैग को, बैग को दोस्तों हम 2 सूत 3 सूत 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने से क्या होता है दोस्तों, बैग कभी भी लटकती नहीं है पीछे से, इस तरह से ये ऊपर उठा लिए, थोड़ा सा हमने ये चाक का निशान लगा लिया ये। अब दोस्तों अब ये जो हमने लगाया था हमारी, इसको सभी को मिला लेते हैं इस तरह से, सभी मारी को इस तरह से दोस्तों मिला लेंगे। दोस्तों प्रिंस कोट की कटिंग अभी तक हमने नहीं बताई थी आपको, इसलिए मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूँ।
तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइड ओपन है मेरा कोट। तो ये दोस्तों हमने सबको मिला लिया। अब दोस्तों सिंगल ब्रिज कोट में जो रखते थे ये चीज़ तख्ती का निशान, वो रखते थे चौथाई से हाफ इंच कम। इसमें क्या रखेंगे, एक इंच कम रखेंगे दोस्तों। तो 38 है ना, 9.5 होता है तो 9 रखते हैं, बाकी हम हाफ इंच यहाँ से अंदर जाएंगे। 9 इंच पे हम ये मार्क लगा लेते हैं, हाफ इंच हम यहाँ से अंदर हो जाएंगे तो 8.5 आ जाएगा। इस तरह से 9 इंच पे हमारी ये लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 1.25 इंच पे हम ये मार्क लगाएंगे और इस तरह से अच्छा सा हल्का से यहाँ पे ये रख के इसको ये इस तरह से शेप कर देंगे। अब दोस्तों ये दोनों को हम नाप लेते हैं, ये आया 8 इंच। 8 का आधा होता है 4, तो आधे का आधा करके हाफ इंच आपको कम करना है, इसको आधा करके हाफ इंच आपको कम करना है तो ये 3.5 इंच पे ये आ जाएगा। काला दोस्तों है मेरा 17 इंच। तो अभी दोस्तों 1.25 इंच हम ये यहाँ से ऊपर आएंगे इस तरह से, ये निशान लगा लेंगे। अभी कच्चा ही निशान लगा रहे दोस्तों कॉलर का, जहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा वहाँ पे हम इसको फाइनल कर देंगे। अभी ये हम कच्चा ही निशान लगा रहे हैं, 3.25 पे लगा रहे हैं, देखते हैं कि मेरा ठीक आता है कि नहीं। बैक की दोस्तों हम ठीक देख लेंगे कितनी तैयार आ रही है। दोस्तों ये ठीक जो है मेरी आएगी तैयार जो आएगी दोस्तों 3.5 इंच एक सूत, और हम इसको भी रखेंगे 3.5 इंच एक सूत। ये रख के इस तरह से आप देख सकते हैं हम कॉलर है 17, तो ये देखिए दोस्तों 8.5, बहुत सही आ रहा है दोस्तों कॉलर 3.5 इंच एक सूत। ये रखना ये हाफ पैंट, ये थोड़ा सा गैप रहता है दोस्तों हाफ इंच, तो इसको हम फाइनल कर देंगे क्योंकि ये सही आ रहा है। इस तरह से इसको अच्छे से ये हो जाएगा मेरा गले का निशान कॉलर का। अब दोस्तों ये चीज़ हम नाप लेंगे इसमें 6 इंच। दोस्तों बैग में ये चीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि नम दिया जाता है 2 सूत, इसलिए वो हम नम छोड़ के हम उसको नापेंगे। 6 इंच ये आ रहा है तो यहाँ पे भी 6 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। इस तरह से दोस्तों शेप दे देंगे, इसी लाइन पे आपको काटना है ये। दोस्तों मैं इसमें एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों इस तरह से आप आर्मोल का, आपको अगर हाथ सेट है तो एक बार में निशान लग जाएगा ये इस तरह से अच्छे से ये निशान लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 1.25 इंच पे ये मार्क लगाएंगे और लगभग 1.5 इंच पे ये। अब दोस्तों इसकी लूजिंग हम एक बार चेस्ट की देख लेते हैं कितनी आ रही है। 3 इंच लूजिंग आना चाहिए दोस्तों, ये हम मिला लेंगे। ये 8 आया, ये 8 यहाँ पे रख देंगे, 12 ये डार्ट दब जाएगी, 12 ये डार्ट दब जाएगी। देखिए दोस्तों 38 है चेस्ट, 38 है तो ये 19 20 21 22 3 इंच लूजिंग मेरी चेस्ट पे आ रही है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसकी लेंथ है 30.5 इंच, थोड़ा सा लंबा है साइज़ के हिसाब से, तो 30.5 इंच लेंथ है। हम यहाँ से इसको 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि सीजिंग वीजिंग जब दोस्तों होती है ना तो थोड़ा सा चढ़ता है और थोड़ा सा लटकी बैग से लटके भी ना, इस वजह से हम इसको 1 इंच बढ़ाएंगे। लगभग मेरा 30.5 ही आएगा। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों जो मेरा कोट है प्रिंस कोट जरूर है लेकिन राउंड दामन आजकल फैशन में है, ट्रेंडिंग में है, तो राउंड दामन है। बाकी तो नॉर्मली प्रिंस कोट में स्क्वायर दावन होता है लेकिन इसमें है राउंड दावन, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से हम पॉकेट का निशान लगा लेंगे, लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है तो 10 इंच पे लगाते हैं इस तरह से, बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पे भी हल्का सा मार्क लगाएंगे।
वालियट का निशान लगा लेंगे यहाँ से 2 इंच पे, और ये 4 इंच वालियट और इसका आधा होता है 2 इंच, ये तो इस तरह से वालियट का भी निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों ये जो बीच का मार्क लगाया था, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ से इसको नाप लेंगे कितनी दूरी पे है, ये है दोस्तों 4.5 इंच पे, यहाँ पे भी 4.5 इंच पे ये मार्क लगा लीजिए आप इस तरह से इसको, ये ऐसे यहाँ से दोस्तों इसके इसका गैप लगभग 2.25 इंच होना चाहिए, यहीं पे दांत को बुझा देना है आपको। पॉकेट का निशान दोस्तों रख लेते हैं 6 इंच पे, ये 1 इंच इधर पीछे जाएंगे, 1 इंच इधर जाएंगे। देखिए दोस्तों टोटल मेरा हमने यहाँ से 6 इंच नाप के ये तक लिया, 1 इंच पीछे यहाँ पे आए और 1 इंच पीछे यहाँ पे, तो 6 इंच लगभग पॉकेट आएगा। इस तरह से यहाँ से 2 सूट पे ऐसे करके इसको बीच में लेके इस तरह से एक मार्क लगा लीजिए, ये निशान से आपको दामन में ऐसे निशान लगा लेना। अब शेप पट्टी रख के दोस्तों अगर ज़्यादा शेप चाहिए कस्टमर को तो उसके हिसाब से आप शेप यहाँ पे रख सकते हैं, हम थोड़ा सा शेप में ही रखेंगे दोस्तों, ये इसको भी ऐसे ही शेप में रखेंगे। बाकी हाफ इंच दोस्तों यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, हाफ इंच नीचे करके इस तरह से आर्मोल का बढ़िया से गुलाई दे देंगे। दोस्तों ये हाफ इंच नीचे हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो डार्ट यहाँ पे भी हम पेट की डार्ट जो होती है इसको हाफ इंच पे, ये जब ऐसे मिलेगा ना दोस्तों जब डार्ट ये दबेगी तो ये आपका इस मारीक पे अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों अब इसकी हम एक बार पूरी लूजिंग मिला लेते हैं, चेस्ट की लूजिंग तो हमने मिला ली थी लेकिन एक बार फिर हमने आपको बता देते हैं। 8 ये आया तैयार, 8 हम यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए ये इस तरह से रखेंगे, ये देखिए 22 इंच 3 इंच लूजिंग पेट पे चेस्ट पे आ रही है। अब पेट पे देख लेते हैं दोस्तों, पेट पे 2 इंच लूजिंग रखना है दोस्तों, 6.25 सूत लगभग, तो 6.25 सूत ये रखेंगे, ये डार्ट चली जाएगी मेरी, ये यहाँ पे भी डार्ट जाएगी दोस्तों, ये दोस्तों ये देखिए 37 है तो 1.25 इंच आ रही है दोस्तों, तो क्या करेंगे 2 सूत हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 20.5 पे आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं, बाकी वहाँ से भी कर सकते हैं तुम दोस्तों, यहीं से थोड़ा हम बढ़ाते हैं साइड से ही हम 2 सूत बढ़ा लेते हैं क्योंकि पेट होता तो हम यहाँ से निकाल देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम इसको यहीं से एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। मिला लेते हैं दोस्तों 6.25 ये आया, 6.25 ये डाट गई, तो दोस्तों ये आया मेरा 2 इंच लूजिंग 20.5 यानी 37 है पेट, 37 का होता है 37 18.5 19 20 2 इंच लूजिंग पेट पे आ गई दोस्तों। अब हिप पे भी हमको 2 इंच लूजिंग रखना है, हिप पे भी दोस्तों मिला लेते हैं, ये कितना आएगा तैयार, ये आएगा 6.5 सूत, ये 6.5 सूत ये रखेंगे, 12.5 ये इधर ये दबा दोस्तों, हिप है मेरा 38.5 तो 19 21 21। हाफ इंच ज़्यादा है दोस्तों तो हाफ इंच हम यहाँ से अभी कटिंग करते वक्त निकाल देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, बटन का निशान लगा लेंगे दोस्तों नीचे से लगभग दोस्तों, क्योंकि राउंड दामन है हम 9 इंच पे रखते हैं अभी, अभी कच्चे पे ये रखते हैं, यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच पे पहला बटन लगता है, 1.25 इंच पे ये पहला बटन हमने लगाया, ये इसको 9 इंच जो हमने रखा था वो आ रहा है 18.5 पे, तो ठीक है इसी को हम फाइनल करते हैं, 18.5 का आधा होता है 9.25, 9.25 का आधा होता है 4.25 सूत, 4.25 सूत यहाँ पे भी मार्क लगा लेंगे। तो दोस्तों प्रिंस कोट में हमेशा 5 बटन होता है,
तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 बटन हो गया। अब राउंड दामन है दोस्तों, तो ये हमने सवा 2 इंच हम इसका राउंड कर देंगे, इस तरह से राउंड कर देंगे हल्का से। ये इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। ये कटिंग करते वक्त ध्यान में रहे, इसलिए हमने इसको पहले से हल्का सा मार्क लगा लिया। अब दोस्तों इसका आर्मोल भी एक बार चेक कर लेते हैं। अस्थिन का हमने नापा था तो 22.5 पौने 23 आया था, इसका देख लेते हैं 10। दोस्तों 1.5 इंच लगभग अस्थिन बड़ी होनी चाहिए, तो 22.5 आ रहा है दोस्तों, ये मेरा लगभग दोस्तों ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच अस्थिन इससे बड़ी होना चाहिए, 1.5-2 इंच भी चल जाता है वो इससे बड़ी होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए मेरा निशान कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हाफ बैंड कॉलर हम कर लेते हैं, लिख देते हैं हाफ बैंड कॉलर है मेरा 17 इंच। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। दोस्तों ये हो गया मेरा इस कोट का निशान। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये दोस्तों होगी मेरी कटिंग। इस तरह से दोस्तों हम कटिंग कर लेंगे। बाकी जब ये ट्रायल होगा दोस्तों तो इसका मार्जिन भी हम कम कर देंगे। यहाँ पे भी दबाव रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे और थोड़ा सा दबाव यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ के ऑनर ने कहा है कि आपको दबाव रख के काटना है, ट्रायल के बाद सारा दबाव निकाल देना है, तो मैं उन्हीं के बात पे चलूँगा। इस तरह से आपको दोस्तों जैसे कि हमने कहा था हाफ इंच हम यहाँ से निकालेंगे, तो आप देखिए कि मैं किस तरह से हाफ इंच निकालूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से यहाँ से भी आपको कटिंग अच्छे से कर लेना। ये आपको चाक के लिए थोड़ा दबाव 3 इंच लगभग लेना है यहाँ से। अब दोस्तों देखिए मैं हाफ इंच किस तरह से निकालूंगा, ये हाफ इंच मैं इस तरह से ये यहाँ से डार्ट से निकाल दूंगा। तो दोस्तों आप देखिए, ये दोस्तों मेरी कटिंग कंप्लीट हुई। आपको अगर समझ आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।